pseudo and necessary condition for the formation of a pseudo and parts of a pseudo. So first of all, what is a pseudo? The dark patch formed in the space behind the oblique object where the light is partially or wholly cut off. It is called a pseudo. कोई ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट के पाथ में आ जाए, लाइट के रेज अगर जा रही है, और जैसे कि एग्जांपल के लिए ये देखिए टॉर्च का डायग्राम, एक टॉर्च है जो कि लाइट सोर्स कवर कर रहा है, बीच में एक बॉल है जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट है, इस ओपेक ऑब्जेक्ट के इस तरफ लाइट की रेज नहीं निकल सकती, तो लाइट की रेज के रास्ते में एक ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इस ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे इसके बिहाइंड जो डार्क पेज बनेगा, यानी कि जो ऐसा अंधेरा बनेगा उसे ही आप शेडो कहते हैं, और यहाँ पर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, यहाँ पर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, पार्शियली या फुली, कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पर कि लाइट बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहेगी, और कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट प्रेजेंट जरूर रहेगी। सो देखिए शेडो, आप सनलाइट में जाइए, सनलाइट में जाने पर आपको अपनी शेडो बनती नजर आएगी, और आप किसी बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी में रहेंगे तब भी आपको अपनी शेडो नजर आएगी। तो शेडो के फॉर्म होने का रीजन ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट के लाइट की रेस के पाथ में आ जाने के बाद ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे की साइड में जो अंधेरा बनता है उसे ही हम शेडो कहते हैं, वहां पर लाइट की रेस पहुंच नहीं पाती। तो शेडो का जो शेप है वो बिल्कुल उस ओपेक ऑब्जेक्ट के शेप के जैसा भी उससे मिलता जुलता होगा, उसे छोटा या बड़ा भी हो सकता है लेकिन उससे मिलता जुलता होगा। दिन के अलग अलग टाइम पर आप अपनी शेडो की साइज जो अलग अलग होती है सनलाइट के टाइम के कारण उसे आप महसूस कर सकते हैं। सुबह और शाम के टाइम पर आपकी शेडो काफ़ी लंबी होती है, और दिन के टाइम पर शेडो जो सनलाइट के कारण बनती है वो छोटी हो जाती है, क्योंकि दिन के टाइम पर सन सीधे आपके सिर के ऊपर रहता है तो आपकी शेडो की लंबाई छोटी होती है, और जो सन मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे है वो जो है ईस्ट या फिर वेस्ट में काफ़ी नीचे होता है, उस समय हमारे शेडो की लंबाई ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है कि जो है सोर्स ऑफ लाइट की पोजीशन क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो, शेडो को फॉर्मेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स होना बहुत जरूरी है, लाइट का सोर्स के बिना लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी तो ऑपेक ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट ना जाना और शेडो बनना ये तो कोई हो ही नहीं पाएगा, इसलिए लाइट का सोर्स होना सबसे पहले जरूरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सोर्स, नेचुरल सोर्स एंड ह्यूमन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स जो है सन है, मून है, और जो ह्यूमन मेड सोर्स है बल्ब, ट्यूबलाइट, इस तरह का कोई भी सोर्स, टॉर्च वगैरह आपके पास होना चाहिए शेडो बनाने के लिए। सेकेंड इज ऑपेक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, जैसे कि इस डायग्राम आपको बॉल दिख रहा है और सनलाइट में जब आपकी शेडो बनती है तब आप एक ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट जियो जो कि अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते, जो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट को होकर गुजर नहीं देते वो कौन से हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है ताकि वो लाइट को गुजरने नहीं देगा अपने अंदर से, तो उसके पीछे की साइड में उसकी शेडो बन जाती है। एंड थर्ड इज ओपेक स्क्रीन, शेडो कभी भी जो है एयर में फॉर्म नहीं होगी, शेडो को फॉर्म होने के लिए कोई स्क्रीन चाहिए, कोई पर्दा चाहिए, ठीक है, ये कोई वॉल हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई वुड हो सकती है, लेकिन एयर के अलावा कोई भी ऐसी चीज जो कि ओपेक हो, स्क्रीन को भी ओपेक होना जरूरी है, वरना स्क्रीन में आपको जो है वो शेडो ठीक से नजर नहीं आएगी। एयर में फॉर्म नहीं होगी शेडो में कभी भी, आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिएगा जो स्क्रीन कवर भी करेगा जिस पर शेडो फॉर्म होगी, और वो हमेशा ओपेक ही होना चाहिए। सनलाइट में जब आपकी शेडो बनती तब अर्थ की सरफेस अर्थ वर्क करती है ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह, ओपेक स्क्रीन की तरह, जिस पर आपकी शेडो फॉर्म होगी। यहाँ पर वॉल है, वॉल में शेडो बन रही है, वॉल की देखी जा सकती है। नाम टू सम पार्ट्स ऑफ द शेडो, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ शेडो, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा। इस केस में देखिए टॉर्च से बॉल की जो शेडो बन रही है वो शेडो यहाँ पर आपको अलग नजर आ रही है जो कि बॉल के ठीक सामने बनी है, और इतना इतना एरिया में आपको डार्क भी नजर आ रहा है। तो शेडो में दो रीज़न होते हैं, एक रीज़न वो
जहां पर कि बिल्कुल भी लाइट प्रेजेंट नहीं होती, लाइट के रेज जहां पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो किसी का पीछे है, देखिए यहां पर लाइट की रेज किसी तरह पहुंच ही नहीं सकती, इसलिए ये जितनी शेडो बनी है जिसे हम अमरा कहते हैं, अमरा में कभी भी लाइट रेज प्रेजेंट नहीं होती, बिल्कुल भी लाइट यहाँ पर पहुंच नहीं पाती, एक डार्क शेडो है जहाँ पर पूरी तरह से डार्कनेस यानी कि अंधेरा है। सेकंड रीजन इज पिनम्ब्रा, पिनम्ब्रा क्योंकि इतना बड़ा रीजन चारों तरफ बना हुआ, यहाँ पर लाइट रेस थोड़े अमाउंट में पहुंच सकती है। देखिए ये लाइट की रेस जो निकल रही है ये बॉल के ऊपर से जो है इस तरफ से होते हुए यहाँ तक पहुंची, बॉल के ऊपर से इस तरफ से होते हुए यहाँ तक पहुंची, यानी बॉल के चारों तरफ से भी लाइट की थोड़ी थोड़ी रेस जरूर पहुंचती है। ये जो रीजन बनता है शेडो का, यहाँ पर पार्शियली डार्कनेस पार्शियली लाइट की रेस प्रेजेंट रहेगी, तो यहाँ पर शेडो कैसी होगी, फुली डार्क नहीं होगी, यहाँ पर हल्की हल्की लाइट जरूर महसूस आपको होगी, ये पूरी तरह से डार्क शेडो है, ये पूरी तरह से डार्क नहीं रहेगी, यहाँ पर लाइट की रेस नहीं रहेगी, यहाँ पर लाइट की रेस प्रेजेंट कुछ अमाउंट में पहुँचती है, लाइट की लाइट यहाँ पर कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी। अमरा एंड पिन देर आर टू रीजन इन अ शेडो, सो देर इज शेडो एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो एंड रीजन ऑफ अ शेडो। थैंक्स।